ऋषि जी जो इनके हस्बैंड हुए सबको घींच के नीचे धक्का मार के ले गए मेरे सामने में घिसते हुए। इनके फादर भी नहीं रोके, इनके मदर भी नहीं रोके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार। दरभंगा में दिल को दहला देने वाली घटी घटना। डॉक्टर सास ससुर और पति ने मिलकर दहेज न मिलने के कारण अपनी ही डॉक्टर बहू को कर रही है बुरी तरह प्रताड़ित। जी हां, यूं तो मानव समाज एवं सभ्यता के समक्ष कई सारी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है, परंतु इनमें से एक चुनौती दहेज प्रथा ऐसी है जिसका कोई भी तोड़ अभी तक समर्थ नहीं दिख रहा है। तभी तो दहेज कुप्रथा भारतीय समाज के लिए एक भयंकर अभिशाप की तरह है, जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का यह एक बड़ा कलंक है, जिसके कारण रोजाना कईयों का घर उजड़ जाता है तो कईयों की मौत हो जाती है। अब यह दहेज कुप्रथा दीमक की तरह शिक्षित परिवार तक फैल गया है। तभी तो एक नया मामला दरभंगा से आ रही है, जहां एक डॉक्टर बहू अपने ही डॉक्टर सास और पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए रोकर बिलखते हुए अपने पे हुए आप बीती घटना को जो बताई है, वह घटना सुनने के बाद सच में दिल को झकझोर कर रख देगी। जहां अपने बेटी बेटियों की शादी में न दहेज लेंगे न दहेज देंगे, और अगर कोई दहेज लेता है तो हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। जी हां, इस परंपरा के नींव दरभंगा के महाराज हरि सिंह ने रखी थी, जहां यह सिस्टम उन्होंने समाज में बराबरी बनाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए हर जाति के लिए शुरू किया था। लेकिन वहीं आज उनके ही शहर में एक नामी डॉक्टर और उसके बेटे डॉक्टर ऋषिराज ने सभी हदें पार कर दी। जी हां, अपनी पत्नी डॉक्टर अनामिका से शादी के कई साल बीत जाने के बावजूद भी अब तक उसे दहेज के लिए मारता रहा। वहीं इधर डॉक्टर फैमिली अपने बहू से BMW गाड़ी जेवर और कई चीजें मांग कर रही है दहेज के रूप में। जब डॉक्टर अनामिका को लगा कि अब हदे पार हो गई है, तब इसको लेकर विश्वविद्यालय थाना में मामला दर्ज करवाते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। क्या हुआ आपके साथ? सर, शादी के बाद ही हमारे साथ डिमांड शुरू हो गया। हमें बोला गया BMW देने के लिए, ज्वेलरी देने के लिए, दिल्ली के मकान को फर्निश कराने के लिए। मेरे पापा ने बोला ठीक है, जैसे ही हमारे पास पैसा आता है हम धीरे धीरे आपके डिमांड्स को पूरा करना शुरू कर। शादी कितना दिन हुआ है? शादी को ऑलमोस्ट 2.5-3 साल होने को है। बच्चा वगैरह भी है? नहीं, बच्चा नहीं है। तो ये दहेज की डिमांड कर रहे हैं? दहेज की डिमांड कर रहे हैं सर। क्या मांग रहे हैं, कितने का मांग रहे हैं? BMW मांग रहे हैं, दिल्ली के मकान फर्निश कराने को बोल रहे हैं सर। उसके बाद ज्वेलरी स्किन तो रहती ही है। तो क्या उसके बाद आपके साथ किस तरह कोई जाती? यस सर, फिजिकली असॉल्ट किया जाता है। मैं तारकल भी गई थी तो मुझे फिजिकली असॉल्ट किया गया। कौन को लोग मिलकर असॉल्ट करते हैं वहाँ पे? तो किया ही था, हस्बैंड ही था। यहाँ पे सारे लोग करते हैं, सास ससुर सारे लोग करते हैं। क्या नाम है हस्बैंड का? ऋषिराज। सास ससुर का? सुशील पूर्वे। और डॉक्टर सुनील पूर्वे, डॉक्टर राजश्री पूर्वे, सृष्टि। आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर अनामिका। कहाँ घर है आपका? हाजीपुर। यहाँ? यहाँ मेरा ससुराल है दरभंगा। तो इसकी थाना में एफआईआर हुई है? एफआईआर हुई है। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। किस तरह का टॉर्चर आप लोगों को किया गया था यहाँ? हर तरह का टॉर्चर किया गया है सर, कुछ छोड़ा ही नहीं गया है मेरी और मेरी फैमिली के साथ। जितनी गाली गलौज, जितने भी अपशब्द यूज करने थे इन्होंने सारे, कोई भी अपशब्द नहीं छोड़ा है मेरे फादर के लिए, मेरे ब्रदर के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है सर। बोल रहे यहाँ से घर से निकालने का कोशिश किया, धक्का मार के निकाल दिया? धक्के मार के कल रात को निकाल ही दिया, ये तो सारे लोगों को पता है। खींच के धक्के मार के खींचते हुए वो लेके गया है सीढ़ियों पे, और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे रूम में बंद करके मारने की कोशिश की। अब क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि ये समाज, ये प्रशासन मेरी आवाज सुने, और सारी ये मेरी सिर्फ मेरी आवाज नहीं, ये सारी लड़कियों की आवाज है। एक पढ़ी लिखी लड़कियों की सोसाइटी में अगर ये इज्जत है, तो जो लड़की नहीं पढ़ी लिखी होती होगी उनकी ससुराल में क्या हालत होती होगी। मैं सारी लड़कियों की तरफ से बोलना चाहती हूँ, और मैं प्रशासन से चाहती हूँ कि इसका इंसाफ हो। आपके बहन के साथ? चार पांच। मेरे बहन 3 दिन पहले यहाँ पे होली मनाने आई थी अपने पति के साथ। ठीक। सवेर में 10 बजे पहुंची तो उसका ऊपर में नहीं घुसने दिया गया, उसके ससुर लोग के साथ है। कौन है ससुर सास? कौन है ससुर? इसके डॉक्टर सुशील कुमार पूर्वे हैं, और इनकी सास जो है डॉक्टर राजश्री पूर्वे है, जो DMCH दरभंगा में गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में पोस्टेड है। उनका प्राइवेट प्रैक्टिस भी चलता है, जो कि पुराना बस स्टैंड जो है उसके जस्ट बगल में गोदावरी मैटरनिटी सेंटर है।
और वो उसको चलाती है। खाना बनाने का मकसद क्या हुआ? खाना खाने का मकसद है कि लड़की यहाँ जो अपने पति के साथ रहती है और उसको नहीं रहने दिया जा रहा है, घर में एंट्री उसका बैन कर दिया गया, उसका सारा सामान फेंक दिया गया है। क्यों? कुछ जो है उन लोगों का मांग है, कुछ कार डिमांड कर रहे हैं, जो दहेज मांग रहे हैं। क्या डिमांड है? अब इसको आप जो रूप दे दीजिए, हम लोग तो समर्थ है उस चीज को देने पूरा करने में। मांगा क्या जा रहा है? बेसिकली बहुत मुख्य चीजें जो है, एक BMW कार की मांग की जा रही है और उनका एक है रेनोवेशन करने की मांग, फ्लैट का रेनोवेशन करने का, इंटीरियर डिजाइन करने का मांग कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, किनसे शादी करवाई थी, क्या क्यों आए थाना पर? क्यों आए थाना पर? आए कि हम अपनी बच्ची को यहाँ भेजे थे, ये लोग उसको रखने से इनकार कर। किसके यहाँ? राष्ट्रीय पूर्वे पति सुशील पूर्वे यहाँ। तो कदराबाद में जो राष्ट्रीय पूर्व डॉक्टर है उन्हीं के यहाँ का मैटर है क्या? हाँ। अपने बच्चिया का शादी किए थे उनके यहाँ? जी हाँ। किन से? डॉक्टर ऋषि राज। कब किए थे शादी, कितना दिन पहले? 28 साल उम्र है। उसके जैसे बाल बच्चा भी है? नहीं, बाल बच्चा नहीं। 28 साल पहले? हाँ। तो आप फिर मामला क्यों उलझा से थाना आए हैं? उनका WBM गाड़ी का डिमांड है, हम देने से असमर्थ हैं। यानी दहेज की मांग की जा रही है? जी हाँ। गाड़ी BMW। अच्छा, तो आपने क्या कहा? क्योंकि हम देने से असमर्थ हैं, तो उसके बाद हमारी बच्ची को ये लोग भीतर नहीं जाने दिए। हाँ। तो प्रशासन को हमने रिपोर्ट किया। हाँ। तो प्रशासन जो है सो किसी तरह से वो जब गया तो हमारे बच्ची का सारा सामान जो है, लड़का आया और सारा सामान खोल दिया। अच्छा, गाड़ी के बदले कौन सा गाड़ी दिया? गाड़ी के बदला हमने ब्रिजा एक मारुति कंपनी की गाड़ी, अपने बच्ची और हम लोग मिला के गाड़ी दिया। कितने की थी? 15 लाख की गाड़ी। शुरू में दहेज का भी लेन देन हुआ था आपसे? दहेज का लेन देन नहीं, सोना वगैरह। कितना दिए थे? सिक्का वगैरह जो है नियर अबाउट 35 लाख के लगभग था, वाइन और ये सब हमने दिया था, और रिसेप्शन में जो खर्च हुआ था वो शादी का। आपने चार चक्का गाड़ी एक दिया भी? दिया वो तो इधर हमने दिया 6-7 महीना पहले। परेशान होके? जब परेशान होके, जब वो बिल्कुल मेरी बच्ची को नहीं ले जाना चाहते थे या रखना चाहते थे, तो हमने परेशान होके ब्रिजा गाड़ी 15 लाख में खरीद के दी। फिर आप क्या मामला उलझ गई? अब वो कहते हैं कि ब्रिजा गाड़ी तो ऑर्डिनरी आदमी भी देता है, हमको चाहिए WBM गाड़ी। तो इसके बाद हम WBM गाड़ी कहाँ से दे सकते हैं? हमारे पास उतना 80 लाख और 90 लाख रुपया मेरे पास कहाँ से?